स्वागत है आपका एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सोशियोलॉजी का हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा चैप्टर है थर्ड, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो था हमने वहाँ से स्टार्ट किया था और चैप्टर सेकंड हमने लास्ट वीडियो में कम्प्लीट कर दिया था। अब बात यहाँ पे थर्ड चैप्टर की कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ट्वेल्थ क्लास का सोशियोलॉजी है, इसमें जो इंडियन सोसाइटी वाली बुक है हमारी, भारतीय समाज की, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखते हैं हम टॉपिक अपना क्या है। हमारा जो चैप्टर थर्ड है, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखें एक बार। तो कंप्लीट चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, पार्ट वार्ट का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट चैप्टर ही होगा और पूरा ही होगा, चाहे एक घंटे का वीडियो बने चाहे 10 घंटे का वीडियो बने, लेकिन कंप्लीट चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करता हूँ मैं आज की। तो देखो, मैंने आपके सामने ये टॉपिक रख दिया है। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सामाजिक संस्थाएं। तो बच्चों, सामाजिक संस्थाएं, हमारी समाज में कुछ संस्थाएं होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे समाज में आप देखते हो ना, ये जो हमारी जनसंख्या होती है, जनसंख्या में क्या होता है, सभी तरह के लोग आते हैं उसमें भाई, सभी धर्मों के लोग होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्मों के, उसमें सभी जातियों के लोग होंगे, सभी वर्णों के लोग होंगे, सभी रंग रूप किसी भी तरह के लोग, सभी मिलकर ही वो जनसंख्या बनती है। लेकिन क्या अभी कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जो हमारी जनसंख्या होती है इसमें विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग समुदाय और अलग अलग वर्गों से संबंधित होते हैं। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो भारतीय समाज की हम यहाँ पे बात करेंगे। भारतीय समाज में जो मेन, अगर हम भारतीय समाज की मुख्य संस्थाओं की बात करते हैं अपने भारतीय समाज की, तो यहाँ पे आता है, पहले नंबर पे आएगा हमारी जाति, दूसरे नंबर पे मैंने रखा है जनजाति, तीसरे नंबर पे परिवार। अब जाति क्या है, जनजाति क्या है, परिवार क्या है, इन तीनों ही टॉपिक पे हम बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत गहराई से। वीडियो को ध्यान से देखें, एक चीज को समझने की कोशिश करें और फिर आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी हो तो कर लो, वरना ये याद हो जाएंगी, इतनी बड़ी चीजें नहीं है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम जाति के बारे में, ठीक है। पहला टॉपिक जाति डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक डिस्कस कर देंगे। तो जाति का अगर हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं तो आपको एक चीज देखनी होगी कि भारतीय समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जाति, और जाति जो है ना ये भारत में ही है, दुनिया के और देशों में भी थोड़े बहुत भेदभाव आपको मिलेंगे, लेकिन जितना ज्यादा जातिगत भेदभाव आपको भारत में मिलता है ना देखने को, इतना ज्यादा भेदभाव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी जगहों पे नस्ल भेद जरूर हो सकता है, लेकिन जाति वाला सिस्टम जो है, ये वाला सिस्टम भारत में ही मिलता है। एक विद्वान थे जिनका नाम था हट्टन, ठीक है, क्या नाम था उन विद्वान का, उनका नाम था हट्टन। इन्होंने ये कहा था कि अगर भारतीय जाति की का अध्ययन करोगे ना, तो विद्वानों की पूरी एक, मतलब अगर आप भारतीय जाति की का अध्ययन करो तो आपको विद्वानों और विशेषज्ञों की पूरी एक सेना की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, आप समझो कि भारत की जाति वाला सिस्टम इतना उलझाने वाला सिस्टम है कि लोगों को, मतलब ये कह रहे ना कि विशेषज्ञों की एक टीम की जरूरत पड़ेगी, तो आप समझ सकते हो कि भारत में जाति व्यवस्था क्या रही होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जाति होती है, जाति जो है वो जन्म पर आधारित ऐसा समूह है जो अपने सदस्यों के खाने पीने की चीजें, विवाह, व्यवसाय, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं उन सब चीजों को देखती है, और उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं विभिन्न तरह के, उन प्रतिबंधों को मानना पड़ता है। अब जन्म से कैसे, जैसे कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, कोई ब्राह्मण जाति का है तो उसके घर में जो बच्चा होगा, जिसका जन्म होगा, वो ब्राह्मण ही रहेगा, ठीक है। मान लो कोई बनिया है जाति से, तो उसके घर में अगर किसी का जन्म हो रहा है तो वो उसका बच्चा बनिया ही होगा। ये वाला सिस्टम है कि किसी का जन्म जिस परिवार में होता है ना, जिस जाति में होता है, वो उसी ही जाति का सदस्य होता है, और उनके खाने पीने के तरीके, विवाह के तरीके, व्यवसाय, काम धंधे जो भी हैं, उनकी जो रीति रिवाज, मान्यताएं, वो वैसी ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि वो उसी परिवार में पलेंगे और अपने जैसी जाति में जो चीजें होती है वो होती है। कुम्हार का बेटा कुम्हार ही होगा, ठीक है, कुम्हार का बेटा जो है वो जाति से कुम्हार ही रहोगा। व्यवसाय बेसिक से अलग अपना सकते हैं, एक टाइम पे ऐसा होता था कि व्यवसाय भी उनका अलग नहीं होता था। कुम्हार अगर मिट्टी बना रहा है तो उसका बेटा भी मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा, बनिया अगर कोई दुकानदारी कर रहा है तो उसका बेटा भी दुकानदारी करेगा, एक टाइम पे तो ऐसा भी था। चलो आज के टाइम पे कम से कम ये तो नहीं है, जाति आज भी है लेकिन व्यवसाय अब जाति पर आधारित नहीं रह गए हैं, ठीक है। मतलब ब्राह्मण है तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा पूजा पाठ ही करवाएगा, हो सकता है कि वो किसी और जाति में चला जाए। बनिया है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यापार ही करेगा, हो सकता है उसका बच्चा जो है वो किसी और क्षेत्र में चला जाए, किसी और फील्ड में काम करे। तो ये जो जाति का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाने वाला हूँ,
आप बस ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जाति की, ठीक है। तो जाति में आगे देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं थोड़ा इसका इतिहास में, जानते हैं कि जाति वगैरह कहाँ से हमें मिलती है। तो भारत में तो भाई ये हजारों साल से जाति वाला सिस्टम है, हजारों साल से। अगर आपको याद होगा वेद वगैरह के टाइम पे, जो ऋग्वेद वगैरह थे, तो आपको वहां पे वर्ण व्यवस्था का पता होगा, क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री के चैप्टर में एक चीज पढ़ाई थी, वर्ण व्यवस्था। अगर आपको याद हो तो महाभारत और उस टॉपिक में सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। यानी कि ये जो जाति और वर्ण व्यवस्था जो थी, ये पहले से ही थी, लेकिन वर्ण और जाति में थोड़ा सा अंतर होता है। इन चीजों को भी आगे आपको बताया जाएगा। अब आपको थोड़ा सा उलझाते हैं हम यहाँ पे शब्दों के खेल में। देखो, पुर्तगाली शब्द था एक, ठीक है, जिसको बोलते थे कास्ट। यहाँ पे मैंने ज्यादा ही बेकार लिखा है कास्ट। ये जो कास्ट होता था, अंग्रेजी में जो कास्ट शब्द होता है, ठीक है, ये जो अंग्रेजी का कास्ट है, ये पुर्तगाली कास्ट से ही बना है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नस्ल, ठीक है, विशुद्ध नस्ल कहा जाता है इसको, नस्ल या नस्ल जो भी आप कहते हो। तो भारत जो है, भारत में दो विभिन्न शब्द हैं, एक है वर्ण और एक है जाति। अक्सर लोग इन दोनों को सेम समझ बैठते हैं, सोचते हैं वर्ण और जाति एक ही है। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हम हिंदी में देखें तो वर्ण का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है रंग। और ये जो जाति शब्द होता है, इसका मतलब होता है कोई किस्म या कोई वंश। अब देखो भाई, एक ही वर्ड है, घुमा फिरा के क्या क्या मतलब निकल रहा है, आप इसे समझने की कोशिश करो। पुर्तगाली भाषा में एक वर्ड था कास्ट, उससे बना कास्ट। कास्ट का मतलब होता है एक नस्ल, एक विभिन्न प्रकार की नस्ल। वर्ण भारत में यूज किया जाता था, जिसका मतलब होता है रंग। जाति, जाति का मतलब होता है किस्म। जाति कहते हैं ना कि कोई जो जानवर है वो कौन सी जाति का है, कोई जो पेड़ पौधा है वो कौन सी जाति का है। एक अलग तरह की किस्म होती है, जैसे चावल है, चावल की ना जाने कितनी सारी किस्म होती है, वो उसकी जातियां हो जाती है, ठीक है। आम है, एक फल है, आम क्या एक ही तरह का आम होता है, आम में भी कई तरह की किस्म हो जाती है, वो जाति होती है। इस तरीके से जाति का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो किसी किस्म को दिखाता है, किसी वंश को समझाता है। वर्ण पे आते हैं, वर्ण का मतलब होता है रंग। लेकिन वर्ण का यूज जो किया जाता था भारत में, चार तरह के वर्ण होते थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। इन चार तरह के वर्णों का यूज किया जाता था भारत में। इन चार वर्णों में ही समाज को, पहले वैदिक समाज की बात करते हैं, उस टाइम पे बांटा गया था। तो यहां से आपको पता लगा होगा कि इनमें अंतर तो है भाई, वर्ण और जाति में। अब वर्ण और जाति में क्या अंतर है, आपको इसे समझो। देखो मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, बहुत ज्यादा बेकार हो गया ये। अब देखो आप यहाँ पे, अगर मैं वर्ण और जाति में आपको अंतर बताऊं, तो ये आपके पेपर में आएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो वर्ण जो थे चार थे, आप ये लिख दोगे कि वर्ण जो थे वो चार थे, लेकिन जातियां जो थी वो हजारों थी, ठीक है, सैकड़ों जातियां थी, हजारों जातियां थी। संख्या में देखें तो बहुत फर्क मिलेगा। फिर क्या थे ये जो चार वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। ये जो चार तरह के वर्ण थे, यहाँ पे आपको एक चीज पता लग रही है कि इनका जो काम था अलग था। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना, अध्ययन करना, वेदों को पढ़ना, ठीक है, शिक्षा देना। क्षत्रिय का क्या काम था, इसका काम था शासन करना, अपनी प्रजा को प्रजा के लिए युद्ध करना, बाहरी आक्रमण से बचाना, ये क्षत्रिय के काम थे। वैश्य के काम क्या थे, व्यापार, कृषि, ठीक है, कृषि वगैरह, पशुपालन, ये वैश्य कैटेगरी में थे। शूद्र जो थे, इन तीनों की सेवा। यहां से आपको एक चीज समझ में आई, मैं आपको डायरेक्ट समझा सकता था, मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, पर आपको एक चीज ऐसी याद दिला रहा हूं कि वीडियो देख लोगे तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। तो ये जो है, ये सारे कर्म प्रधान चीजें हैं। कर्म प्रधान का मतलब है कि ये इनके अकॉर्डिंग काम बांटे गए। वर्ण जो है, वर्ण कहीं ना कहीं कर्म प्रधान है, उसमें काम को देखा जाता है कि चारों वर्ण है, चारों वर्णों के अलग अलग काम है, यानी काम से रिलेटेड कोई चीज है। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पे जाति की। यहां तो भाई कोई काम नहीं बताया। जाति जो होती है वो जन्म प्रधान होती है, ठीक है, कर्म प्रधान नहीं है। क्यों जन्म प्रधान? अब देखो, ब्राह्मण का जो बेटा है, ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेगा, वो जाति से ब्राह्मण ही तो माना जाएगा, ठीक है। कोई भी कास्ट है, मान लो कोई कास्ट है एक्स, उसके घर में जो भी जन्म लेगा वो उसी एक्स कास्ट का ही रहेगा, उसी जाति का रहेगा। तो ये दूसरा अंतर था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
फिर क्या होता है कि भाई वर्ण व्यवस्था जो थी वो ठीक ठाक थी, ज्यादा उसमें समस्याएं नहीं थी। लेकिन जो जाति है इसमें बहुत कठोरता है, एक जाति से दूसरी जाति के बीच में देखें तो नफरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो कुछ लोग अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे वो नीची जाति वालों के साथ भेदभाव करते थे, बीच में उनके नफरतें होती थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये जाति और वर्ण के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके बाद बात करते हैं हम जाति व्यवस्था में, आपको एक और चीज बताना भूल गया था मैं। यहाँ पे देखो आपको एक चीज याद है, जाति व्यवस्था में क्या था, छुआछूत वाली समस्या थी कि कुछ जातियों को अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे दो चीज और ध्यान रखनी है, एक मैं बात करता हूं वैदिक काल और दूसरी बात करता हूं उत्तर वैदिक काल यानी बाद में वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या था, जो जातियां होती, वर्ण होता था, वर्ण व्यवस्था ही जाति थी, समझो एक तरह से यही समझ लो, बस चार तरह में बांटा गया था, ज्यादा झंझट नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जाति जो थी वो अलग अलग हिस्सों में बंटने लग गई, यानी कि कई सारी जातियां बनने लग गई। और कुछ तथ्य बता देता हूँ, याद रखो जाति जो है ये जाति व्यवस्था काफी कठोर थी। इसमें क्या होता है जाति व्यवस्था में कि जाति जो होती है वो जन्म पे निर्भर निर्भर है, जाति को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, जिस जाति में जन्म हुआ है उसी जाति का रहेगा वो, ये बहुत कठोर व्यवस्था थी। दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे देखो कि जो शादी व्यवस्था, शादी वाला सिस्टम था, ये भी क्या है जाति के अकॉर्डिंग ही होता था। ठीक है, अपनी जात कहते हैं ना, अपनी जात में। और फिर यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखना है आपको कि जो जाति होती थी उसमें खाना 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 बांटना और रहन सहन और शादी विवाह की प्रथाएं, ये जो नियम प्रथा होती थी, ट्रेडिशन होती थी, वो विभिन्न जातियों की अलग अलग परंपराएं होती थी। ठीक है, किसी जाति में अलग परंपरा होगी, किसी दूसरी जाति में अलग परंपरा होगी। जातियों में उपजाति भी होती थी, यानी एक ही मेन जाति है उसके अंदर दूसरी जाति और डिवाइड है, फिर कई बार तो उपजाति के अंदर भी कई जातियां मिली हैं, ऐसे ऐसे व्यवस्था है, तभी तो इतनी सारी जातियां बंधी गई हैं। ये चीजें भी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर आगे चलती रहती है, जो जिस जाति का है वो चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है, ये होता रहा था। एक सबसे बड़ी चीज ये आपको सुनना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखो कोई व्यक्ति है, कहते हैं ना समाज में दो तरह की जाति थी, एक तो ऐसी जाति थी जिसे बहुत ऊंची जाति माना जाता था और एक ऐसी भी जाति थी जिसे काफी नीचा माना जाता था। ऊंची जाति में कोई बेवकूफ पैदा हो जाए तो समाज में उसका स्तर ऊंचा ही रहता था, चाहे वो बेशक से वो बेवकूफ हो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन नीची जाति में अगर कोई विद्वान पैदा हो जाए तो समाज में उसका स्तर नीचा ही रहता था, वो कभी इस लेवल पे नहीं पहुंचता था, समझ रहे हो ना। यानी कोई कितना भी विद्वान हो अगर वो जाति से नीची जाति में है, जन्मा है, ठीक है, तो वो नीचा ही माना जाएगा, वो हमेशा कहेगा ये उस जाति का है। और कोई ऊंची जाति में कोई बेवकूफ भी हो जाए वो ऊंचा ही माना जाएगा। तो एक ये सिस्टम भी था, ये सारे फैक्ट मैं आपको बुक में से बता रहा हूँ, देख देख के इम्पोर्टेंट। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, टॉपिक है हमारा उपनिवेशवाद और जाति। उपनिवेशवाद आप जानते हो, जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया और भारत पे अपना शासन जमाया, शासन चलाया, जब अंग्रेजी शासन वाला समय समझ लो आप, उपनिवेशवाद की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा माना जाता है कि 1800 से 1950 तक लगभग 150 सालों में काफी जातिगत परिवर्तन देखने को मिले। प्राचीन समय में हमें जाति के बारे में ज्यादा, प्राचीन काल में हमें जाति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये जो आधुनिक समय है जब अंग्रेजों ने शासन किया था हमारे यहाँ, उस टाइम से बात करें तो जातिगत जानकारी हमें बहुत ज्यादा मिलती है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ये जो जाति वाली व्यवस्था है ना, जाति व्यवस्था, ये उपनिवेशवाद वाले समय में आई है, यानी इस समय में आई है जिस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया है, ठीक है, और वो उसकी तुलना उपनिवेशवाद से ही कर देते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारत में देखा कि यार यहाँ तो बहुत जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा काफी ज्यादा है, उन्होंने क्या करा, इस जाति व्यवस्था का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, ऐसा माना जाता है। और अध्ययन करने का एक सबसे बेस्ट तरीका जो माना जाता है वो माना जाता है जनगणना। आपको बताया था ना 1872 लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फिर उसके बाद 1881, ये जो जनगणना हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे ही तो हुई थी। तो ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जातिगत भिन्नताओं को जानने के लिए ही ये जनगणनाएं कराई गई थी। 1901 में
एक जनगणना करवाई गई थी हर्बर्ट रिजले के द्वारा। ये जो हर्बर्ट रिजले थे अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने जो जनगणना करवाई थी, ऐसा माना जाता था कि ये स्पेशली जाति जाति को पता करने के लिए, जाति से रिलेटेड चीजों को जानने के लिए करवाई गई थी। और यहाँ पे एक चीज और मानी जाती है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि जो उच्च जाति के लोग थे भारत में, उच्च जाति के लोग, उनको विशेष अधिकार दे रखे थे कि मतलब जो भेदभाव निचली जातियों के साथ हो रहा है उसको और बढ़ाया जाए, इसलिए भी अंग्रेजों ने ऐसा किया, ऐसा कहा जाता है। इसमें ये कहा गया कि 1935 का जो अधिनियम आया था अंग्रेजों के द्वारा, इसके बाद जातिगत जो श्रेणियां बना दी गई थी, जिसमें कि जहां से एक वर्ड आया है SC ST वाला, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला। तो ऐसा देखो, कहने का मतलब ये है कि जब उपनिवेशवाद था जिस टाइम पे अंग्रेज थे देश में, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जाति प्रथा को देखा, उसको समझा और उसको बढ़ावा देने की कोशिश की। ये जो दलित शब्द जो आते हैं, ये सब कहीं ना कहीं इसी टाइम की देन है, यानी कि ये अंग्रेजों के टाइम में ही ये सारी चीजें आई थी। तो आज ऐसा माना जाता है कि ये उस टाइम की ही देन है, बाकी प्राचीन समय में भी जाति प्रथा थी, लेकिन ज्यादा जानकारी उस टाइम पे नहीं मिली है। अब बात कर लेते हैं हम जाति का समकालीन रूप। अब देखो यहाँ पे हमने तीन तरह की चीजें पढ़ी, अगर आपको उस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको तीन तरह की चीजें सामने आ गई होंगी। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जाति का समकालीन रूप। समकालीन मतलब आधुनिक समझ लो आप, समकालीन रूप जाति का। देखो अभी हमने जाति के बारे में पढ़ा, जाति क्या है, जाति में क्या था, प्राचीन समय वैदिक काल के टाइम पे पढ़ा, उसके बाद अंग्रेजों के टाइम पे पढ़ा, और अब जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं 1947 के बाद, यानी जब देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद क्या जाति प्रथा है, क्या व्यवस्था है, उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन जाति व्यवस्था से हमारा देश 1947 में आजाद नहीं हो पाया। ठीक है, खाली देश आजाद हुआ है, ये जाति प्रथा खत्म नहीं हुई। संविधान में बेशक से जाति प्रथा वाली चीजें को खत्म कर दिया गया, लेकिन देश में ये कुरीतियां तब भी थी। क्या होता था भाई कि अगर हम बात करें आजादी से पहले की, ये मैं आपको यहां पे बात बता देता हूं, 1920 के आसपास से लेके बाद की बातें करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि देश में बहुत तरह की समस्याएं थी, छुआछूत वाली समस्या आ रही थी, जातिगत भेदभाव वाली समस्या आ रही थी, दलितों के साथ अत्याचार वाली समस्या आ रही थी, इस तरह की समस्या देश में बहुत ज्यादा थी। तो कई राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए गए, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इन सब चीजों का क्या किया, विरोध किया। कई सारे समाज सुधारक सामने आए, मैं जैसे आपका नाम सामने नाम लेता हूं, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है, और दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो अय्यंकाली, श्री नारायण गुरु, इतोदियास, पेरियार, ये जो सारे थे, ये ऐसे व्यक्ति थे, महान शख्सियत थे, जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और बहुत सारी नई चीजों को सामने लाने के लिए काम किया। और 1920 के दशक से ही छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जो थे वो चालू हो चुके थे। फिर ऐसे में ये प्रयास किया गया कि जब देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद जब हमारा संविधान बना, तो संविधान में ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया। सारा सिस्टम खत्म होने का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि अब संविधान में क्लियर एक बात कह दी गई थी कि किसी भी प्रकार का छुआछूत वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता नहीं चलेगी, दलितों के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, और SC ST जो समुदाय थे इनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण क्यों दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों में और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण इसलिए दिया जाएगा क्योंकि समाज में SC ST जो थे इनके साथ बहुत पिछले पुराने समय से भेदभाव हो रहा था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो भेदभाव होता था इससे समाज में जो इनकी स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग थे उनका जो स्टैंडर्ड था, अगर वो इतने ऊंचे थे तो ये जो लोग थे ये दबे कुचले लोग इतने नीचे थे, तो समाज में इनका लेवल बढ़ाना था और इनका लेवल बढ़ा के इन लोगों के बराबर लाना था, तो ऐसे में आरक्षण देना सही समझा गया। तो ये सारे जो हुए हैं ना ये जो भेदभाव को खत्म करके जो नई चीजें आई हैं, ये हैं सारी की सारी समकालीन, ठीक है, समकालीन व्यवस्थाएं। तो आप इसे पहले से ही जानते होंगे और ये आपको अच्छे से याद होंगी, ये चीजें बहुत आसान है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे।
दूसरा टॉपिक हमारा जो था वो था जनजातीय। जनजातीय के बारे में हमें पढ़ना है, जनजाति क्या होता है थोड़ा सा आपको इसे समझना चाहिए। तो ये आधुनिक शब्द है जनजाति, ठीक है, प्राचीन समय से नहीं है। और ये ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया जाता है जनजाति बोलकर, जो भारतीय समाज में, ठीक है, काफी मतलब पुराने समय से, कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, पुराने समय से रहते आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, और कहा जाता है कि ये भारत के मूल निवासी हैं। तो ये वर्ड जो यूज किया जाता है जनजाति के लिए किया जाता है। और ये कहा जाता था कि जो जनजातीय लोग थे ये ऐसे लोग थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार धर्म का पालन नहीं करते थे। जैसे हम भाई गीता, गीता जो धर्म ग्रंथ है उसको मानते हैं, और भी बहुत सारे हमारे जो धर्म ग्रंथ मिलते हैं हम उनको मानते हैं, लेकिन ये जो मूल निवासी हैं, ये जो जनजातीय लोग हैं, ये किसी लिखित धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हैं, उसके अनुसार धर्म का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि ये इनका कोई सामान्य प्रकार का राज्य या राजनीतिक संगठन भी नहीं है। और ये इनका जो समुदाय है वो कठोर तौर पर वर्गों में भी विभाजित नहीं हुआ है, एक जैसे हैं ये सारे। और ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ तो ये कहते हैं कि ना वे हिंदू थे ना ही ये किसान थे, ठीक है। और जनजाति शब्द जो इस्तेमाल करते हैं ये औपनिवेशिक युग में आरंभ हुआ था जनजाति, क्योंकि ये नया वर्ड है, जब अंग्रेज आए थे तब शुरू हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे जनजातीय लोगों के बारे में ध्यान में रखना था, इतना जनजातीय लोगों की बेसिक मैंने आपको जानकारी दी। अब यहाँ पे देखो कि जनजातीय समाज जो है उसमें कुछ वर्गीकरण है, क्या वर्गीकरण है। तो जनजातीय समाज को अगर हमने बांटा है तो इसको मेनली दो हिस्सों में बांटा है, एक को हम बोलते हैं स्थायी विशेषक, दूसरे को हम बोलते हैं अर्जित विशेषक। स्थायी विशेषक में क्या चीजें आती है पहले इसे समझेंगे। स्थायी विशेषक में मेनली ये देखा जाता है कौन से क्षेत्र के हैं, क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, भाषा वगैरह को ध्यान में रखा जाता है, कौन सी भाषा बोली जाती है इनके द्वारा। फिर इनका शारीरिक गठन को देखा जाता है कि इनकी इनका शारीरिक गठन कैसा है। दूसरी तरफ हमारी बात आती है अर्जित विशेषक की। अर्जित विशेषक ये होता है, देखो स्थायी विशेषक वो होता है जो मतलब पहले से ही, मतलब एक तरह से परमानेंट हो। अर्जित विशेषक वो होता है जो जो हमने चीजें ग्रहण करी हो, कहीं से ली हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनके जीवन यापन के साधन जो है, जिंदगी जीने का जो तरीका है, या तो तरीका लिख सकते हो जीवन जीने का, या जीवन जिंदगी जीने के साधन जो है वो आ सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हिंदू समाज जो है उसकी मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब हम इसको बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, आपको पूरा ये समझाता हूँ। इतना आपको बस ये ध्यान में रखना है, ऐसे ऐसे क्या है, ये डिवाइड है स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक में। यहाँ पे मैं स्थायी विशेषक वाली सारी विशेषता आपको लिख देता हूँ। आप देखो, कहने का मतलब ये है कि जनजाति जो है ये पूरे देश की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैप बना के, तो ये अलग अलग जगह पे आपको पूरे यूं बिखरे मिलेंगे, पूरे देश में अलग अलग जगह। लेकिन अगर हम बात करें कि ज्यादातर लोग, ये जनजाति लोग कहाँ रहते हैं, तो लगभग 80 से 85% लोग ये मध्य भारत में मिलेंगे, ठीक है, एमपी साइड में और बाकी बिहार बिहार इधर की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं पश्चिम में, तो ये गुजरात में भी मिलेंगे आपको जनजाति, ठीक है, राजस्थान में भी, और अगर पूर्व में बात करें तो ये बंगाल में मिलेंगे आपको, ठीक है, उड़ीसा साइड अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी जनजाति रहती है, जनजातीय मिलेंगे। तो ये है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूरे एमपी में, झारखंड में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, इन सारे हिस्सों में जनजातियां मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ तो भाई जनजाति 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 ही है सारा। नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, इधर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे तो 60-60, 90-90% लोग जो है वो जनजाति से संबंधित ही है। तो अगर हम भाषा के आधार पे देखें तो ये मुख्यतः चार भाषा परिवारों में बटे हुए हैं, ठीक है, भारतीय, आर्य, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक और तिब्बत बर्मा। 1% जो लोग हैं जनजाति के वो भारतीय आर्य भाषा को बोलते हैं, द्रविड़ परिवार की भाषा 3% जनजातीय लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रिक और तिब्बत बर्मा जो इनकी मेन भाषा है, ये दोनों 80% जनजाति के लोग मेनली ये भाषा बोलते हैं।
अब कहने का मतलब ये है, अगर आपने भाषा परिवार आपको पता नहीं है तो फिर आपको ये पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि भाषा परिवार होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो इसे ध्यान से सुने तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, वरना आप पढ़ के रट तो सकते हो पर समझ कभी नहीं सकोगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक अन्य भाषा का, जैसे कि आपने संस्कृत भाषा तो सुना ही होगा सभी ने। संस्कृत भाषा जो है ये क्या है, ये भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, भारोपीय भाषा परिवार। अब ये भारोपी क्या है, भारोपीय दो चीजों से मिला है बना है, एक तो भारत है और दूसरा यूरोपीय है। जब इन दोनों को शॉर्ट में बोलते हैं तो भारोपीय बुलाते हैं। भारोपीय से ये संस्कृत जो भाषा है कैसे कैसे उसका हिस्सा है, अब यहाँ पे समझो, अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको ये ऊपर का टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मातृ मातृ जो है ये माँ के लिए यूज किया जाता है शब्द संस्कृत भाषा में, जो माँ को मातृ बोलते हैं, हिंदी में इसको माँ बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको मदर बोलते हैं। अब एक चीज देखो, क्या आपको तीनों शब्दों में कुछ मिलता जुलता समानता सा दिख रही है, मातृ माँ मदर, मातृ माँ मदर। अगर आपने तीनों शब्दों को ध्यान से सुना तो आपको कुछ समानता जरूर दिखी होगी, मिलते जुलते लग रहे हैं। तो ये जब मिलते जुलते जो शब्द होते हैं ये एक ही परिवार एक ही भाषा परिवार के तहत आ जाते हैं, तो इसीलिए ये संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसी तरीके से ये जो भारतीय आर्य भाषा परिवार का हिस्सा अलग तरह की भाषा थी, द्रविड़ परिवार में आ जाते हैं ऐसी भाषाएं, द्रविड़ परिवार में आती हैं। मैं आपको भाषा भी बता देता हूँ एक दो उदाहरण के लिए, आपको समझ में आएगा। जैसे आप साउथ में जाओ, दक्षिण भारत में आपको तमिल कन्नड़ तेलुगु मलयालम ये भाषा मिलेगी, ये कौन सी भाषा है, ये सारी द्रविड़ भाषा परिवार की है। ऑस्ट्रो यहाँ पे ऑस्ट्रिक लिखा हुआ है ना, ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक में कौन सी भाषाएं आती है, ऑस्ट्रिक में आता है ऑस्ट्रिक में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा जैसे झारखंड साइड में बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो आ जाएंगी, और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे तिब्बत बर्मा परिवार वाली भाषाएं बोली जाती है। तो ये सारी भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती है, ठीक है। तो इनकी जहां से उत्पत्ति हुई है उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। अब आपको ये ज्यादा टफ ना बना दिया हो मैंने, आसान समझाने की जगह और मुश्किल बातें बता दिया ज्यादा, पर आप इन चीजों को ध्यान रखें, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं ना आगे तो आपको आगे काम आएगी ये चीजें। यहाँ पे स्थायी विशेषक में लास्ट पॉइंट सुन लो, जनजातियों की अगर हम जनसंख्या को देखें, आकार जनसंख्या का आकार देखें तो आपको यहाँ बड़ा फर्क दिखेगा। जो सबसे बड़ी जनजाति है उसकी संख्या लगभग 70 लाख के करीब है, और जो सबसे छोटी जनजाति है उसमें केवल 100 लोग हैं, ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है वाली जनजाति, ठीक है। तो ये है जनजातियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जनजाति हैं देश में, जैसे गोंड हो गई, भील हो गई, संथाल हो गए, मीणा हो गए, बोडो हो गया, मुंडा हो गया, ओरा हो गया, ये सारी जनजातियों के नाम है जो मैंने आपके सामने लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो था अर्जित विशेषक, काफी डिटेल में बता रहा हूँ, अगर मैं सपोर्टिंग से पढ़ाता तो इतनी देर में चैप्टर खत्म हो जाता, सारी बातें हो जाती, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा डीपली जा रहा है और काफी टॉपिक आ रहे हैं इसमें। देखो आजीविका के आधार पर अगर हम देखें कि आजीविका का मतलब होता है ये काम क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी जिंदगी चलाने के लिए क्या काम करते हैं, कुछ तो करते होंगे। तो ज्यादातर जो जनजातियों के लोग हैं या तो वो मछुआरे होते हैं, मछुआ, या फिर वो क्या करते हैं, खाद्य संग्राहक होते हैं। खाद्य संग्राहक मतलब जो जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं, या कंदमूल पेड़ पौधों से मिली हुई चीजों को इकट्ठा करते हैं, शिकारी टाइप के होते हैं, या फिर ये खेती करते हैं। खेती कौन सी करते हैं, झूम खेती करते हैं। झूम खेती आपको पता होगा, एक जगह करते हैं 2-4 साल, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं वहां पे, तो उसे राख से उपजाऊ बनाता है, फिर दूसरी जमीन पे चले जाते हैं। इस तरीके से जो खेती होती है उसे झूम खेती कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बागान में भी काम करते पाए गए हैं, यानी बागान में भी काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो औद्योगिक कामों में भी मिलते हैं, यानी उद्योग वगैरह में के कामों में लग गए हैं जनजातीय लोग, ऐसे कामों में इनको देखा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ से हो गया है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य धारा के जो लोग हैं उनका जनजातियों के प्रति क्या रवैया है, ठीक है। ये हमें समझना है, ये जो जनजातीय लोग हैं ज्यादातर ये जंगलों से, खेतों से और इन कामों में जुड़े हुए हैं, ना तो इन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाई है, ना ही इनका समाज में विकास हो पाया है। और अक्सर क्या हो रहा है कि अगर बात करते हैं अगर हम इनकी, तो ज्यादातर इनका साथ साहूकारों ने और बाकी लोगों ने भी इनका काफी शोषण किया है,
इनका मतलब जनजातीय लोगों का, ठीक है, इनके साथ मतलब भेदभाव हुआ है हमेशा से। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जो जनजातियां हैं ये गैर जनजातीय समुदाय से रक्षा की जानी चाहिए, यानी कि जो दूसरे समुदाय हैं उनको इनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जनजातीय के अस्तित्व को मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप ये समझो कि कहते हैं कि ये जो जनजातीय लोग हैं दूसरों को इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करना चाह रहे हैं, इनको इनके अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। और जैसे मतलब ये जनजाति, इनकी व्यवस्था है ना, इसकी परंपरा है, इनकी इनकी परंपरा को लोग खत्म करना चाह रहे हैं, और इनकी परंपराओं को खत्म करके इनको श्रमिक बनाना चाह रहे हैं, इनको मजदूर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जनजातियों के विकास पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, अगर सरकार जनजातियों के लिए काम करे तो इनका विकास हो सकता है, एजुकेशन दे, इनके यहाँ पे सुविधाएं दे, सरकार इनको राजनीति में आरक्षण दे, राजनीतिक पार्टियों में शामिल करे, इनकी समस्याओं को सुने, इनके लिए काम करे, इनको विभिन्न तरह की सुविधाएं दे, ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। ठीक है, जो बाहर के लोग थे, जो बाहर से आए प्रवासी वगैरह, उन्होंने भी इनके साथ गलत किया, इनकी जमीनें छीन ली, कईयों ने सरकार की नीति, ये क्योंकि ये जंगलों से जुड़े हुए हैं, जंगलों से जुड़े हैं, जंगलों में रहते हैं, और जंगल से मिली हुई चीजों को खाते पीते हैं, तो सरकार ने वन नीति बनाई, वन नीति के तहत क्या किया, जंगल खाली करवाए गए और इनको वहां से भी हटाया गया, कई जगह इनको निकाला गया वहां से। तो ये भी एक तरह से हम देखा जाए तो इनके साथ गलत हुआ है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, और ये बहुत सारी चीजें आती है इनके लिए। तो देख लिया आपने जनजातीय लोगों के साथ किसने भेदभाव किया और कैसा भेदभाव हुआ। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विकास यानी देश का विकास वर्सेस जनजातीय विकास, यानी राष्ट्रीय विकास और जनजातीय विकास के बीच में क्या मतलब प्रतिस्पर्धा रही है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जनजातीय लोग जो हैं ये रहते हैं खेतों में, खेती करते हैं ये लोग, जंगलों में रहते हैं और पिछड़े इलाकों में रहते हैं, पुराने पुराने गांवों में रहते हैं। तो सरकार ने जो काम किया वो मुख्य धारा में रहने वाले लोगों के लिए काम किया, मुख्य धारा में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए काम किया, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलाई। ठीक है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे बांध बनाने की परियोजना आई, या फिर बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए, या जंगलों को वन नीति के तहत आरक्षित किया गया, या जंगलों से इनको निकाला गया, इनसे वन छीन लिए गए। ठीक है, इनके साथ मतलब काफी अगर देखा जाए तो इनके साथ गलत हुआ है, इनकी जो परंपरा है उसको समाप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए काफी प्रयास किए गए, यानी सरकार ने मतलब सरकार का विकास, कहने का मतलब ये, सरकार का विकास, जो सरकार ने विकास की नीति अपनाई है वो विकास की नीति इनके लिए समस्या की नीति बन गई है। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जनजातीय लोगों की अगर हम बात करें तो विकास हुआ है लेकिन बाकी लोगों का, पर जनजातीय लोगों का विकास नहीं हुआ। जनजातीय आंदोलन चले, उसमें जनजातीय जो मुद्दे थे उसने वो जनजातीय मुद्दों को खूब खूब उछाला गया। ये कहा गया कि भाई आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, इनकी सांस्कृतिक पहचान करो, इनकी संस्कृति जो है उसको बचाने के लिए प्रयास किया जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें चली, एक लंबा संघर्ष चला। उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिला, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं वो जनजातीय है लोग हैं। ठीक है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद इनको अलग राज्य का दर्जा मिला था, सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम और फिर उनसे भड़के विद्रोह ने नॉर्थ ईस्ट के साइड में तो बहुत बुरा हाल कर दिया था, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। तो लास्ट में अगर हम बात कहें इस पूरे टॉपिक में तो राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं, तो राष्ट्र का विकास तो हुआ है लेकिन जनजातीय लोगों के साथ अगर देखें तो इनके साथ भेदभाव हुआ है, इनका विकास नहीं हो पाया, इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, उनके साथ वो चीजें नहीं हो पाई है जो इनके साथ होनी चाहिए थी, इनकी जमीनें छीन ली गई, इनको विस्थापित का शिकार होना पड़ा, इनको उतने रोजगार नहीं मिल पाए, शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं हो पाया, काफी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये राष्ट्रीय विकास और जनजातीय विकास था। नेक्स्ट टॉपिक देखते, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने बच्चों की क्या हुआ था कि ये जो मुख्य धारा का विकास करते करते सरकार ने जो प्रोसेस अपनाई थी उसमें जो जनजातीय था, जनजाति थी, इनके साथ गलत हुआ। ठीक है, क्या गलत हुआ, अभी आपको मैंने बताया था लास्ट इससे पहले वाले टॉपिक में, इनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाए, यानी जो जनजातियों की जो संस्कृति थी उसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि विकास जो है वो तो है लेकिन इन ये जो जनजातीय लोग थे इनकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है पहले के मुकाबले, इनको नुकसान पहुंचा है। एक लंबे और कठोर संघर्ष के बाद ये जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है,
और दूसरा कौन सा था हमारा, झारखंड। लंबे संघर्ष के बाद इनको अलग राज्य का दर्जा मिला, यहाँ पे ज्यादातर जनजातीय राज्य हैं। यहां से एक सकारात्मक सोच जरूर चली है कि इनका मतलब महत्व बढ़ा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो वहां पे कई दशकों से विशेष कानून के तहत इनको इनको कुछ अधिकार दी गई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करते हैं अगर हम, जैसे कि ये जो मैप बनाते हैं ना हम जब भारत का, तो ये वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, इन राज्यों को क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है। यहाँ पे जनजातियों को क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दिए हैं ताकि ये अपना विकास कर सके। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा वो जो क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर, अगर आपको याद हो तो वहां पे बताया था। एक अच्छी बात यह है कि जनजातीय जो थे पहले ये अनपढ़ लोग थे, ज्यादा शिक्षित लोग इनमें नहीं थे, धीरे धीरे क्या हो रहा है इनमें शिक्षित वर्ग भी उभर कर सामने आ रहा है, यानी अब ये लोग भी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको शिक्षा मिल पा रही है। हालांकि उतनी बेहतर सुविधाएं तो नहीं है लेकिन फिर भी पहले से कुछ फर्क तो पड़ा है। और दो तरह के मुद्दे जो थे इनके बीच में बहुत उभरे हैं। एक मुद्दा तो ये था कि जो वन है, ठीक है, जंगल वगैरह है और जो भूमि वाले संसाधन है उन संसाधनों पर इनका नियंत्रण होना चाहिए। ये मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, वन संसाधनों पर नियंत्रण, इनका नियंत्रण होना चाहिए। इन्होंने मांग की थी कि हमारा जो जल जंगल जमीन है जो भी है वो सारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, इस पे मतलब हमारा मतलब जनजातियों का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मुद्दा था इनकी सांस्कृतिक पहचान, क्योंकि ये जो है ये इनकी सांस्कृतिक पहचान भी खोई जा रही है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, तो ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं जैसा ये अतीत में होते थे। तो इस तरह की बातें चली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो इनके साथ बेसिक से कुछ बेकार जरूर हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ अब इनको धीरे 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 फायदा होने लगा है। इनकी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, इनको विशेष अधिकार दे दिए गए हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बना दिए गए हैं अलग उनको और इनको शिक्षा भी मिलने लगी है, वन संसाधनों पर नियंत्रण की बात भी चल रही है और विशेष अधिकार वगैरह ये सारी चीजें इनको उपलब्ध कराई गई है। अगला टॉपिक है आपके सामने परिवार व नातेदारी, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हम सभी का जन्म किसी न किसी परिवार में जरूर है, ठीक है, जरूर किसी न किसी परिवार में हुआ है और हम जो होते हैं अधिकतर अपना टाइम जो है अपने परिवार के साथ बिताते हैं, ठीक है, और कई सालों तक साथ रहते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि हमारा परिवार से हमारा गहरा लगाव होता है, हमारा हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति। कभी कभी क्या होता है कि भाई माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, ये सारे जो होते हैं ये जो मतलब दूर दूर के होते हैं, ठीक है, जैसे कजन वगैरह होते हैं हमारे परिवारों के ही होते हैं ये भी, तो कई कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनुभव करते हैं सभी मिलकर साथ, ठीक है, हम सभी एक साथ मतलब बहुत बेहतर अनुभव करते हैं, जबकि दूसरों के विषय में हम ऐसा अनुभव नहीं करते। जैसा कि हम अपने परिवार वालों, अगर मेरे कोई कजन है, मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बहन है, तो मैं उनके प्रति जो अनुभव करूंगा वो मैं किसी दूसरे के प्रति नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा लगाव होगा वो मेरे परिवार के प्रति होगा, मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति होगा। ऐसा ही आपका भी होगा, आपका भी अपने परिवार से लगाव होगा, आपका अपने परिवार के सदस्यों से लगाव होगा। तो परिवार क्या होता है ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परिवार की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि सदस्यों का एक ऐसा समूह होता है परिवार जिसमें रक्त संबंध होते हैं, ठीक है, विवाह के जरिए या रक्त संबंध होते हैं, इसको हम परिवार कहते हैं। लेकिन हमेशा देखो, दो तरह की चीजें होती है, परिवार के प्रति लगाव होता है, दूसरा परिवार के प्रति नफरत भी होती है। नफरत कब होती है, कई बार आप देखोगे भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं जायदाद के चक्कर में, या फिर और कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मुद्दा हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। एक तरफ लगाव भी होता है तो दूसरी तरफ ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है परिवार में। परिवार जो होता है, परिवार का एक मुखिया होता है जो कि घर में बड़ा होता है, जो परिवार को चलाता है, ठीक है। परिवार जो होता है वो अगर हम देखा जाए तो वो मातृवंशीय भी हो सकता है, पितृवंशीय भी हो सकता है। मातृवंशीय और पितृवंशीय जो परिवार होता है उसका मतलब क्या होता है, पितृवंशीय परिवार वो होता है जहाँ पे पिता मुखिया होता है और मातृवंशीय में माता मुखिया होती है घर की, ठीक है। हमारे जो समाज है वो मेनली पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ पे पिता को या फिर परिवार में जो लड़के होते हैं उनको उनको मतलब ऊंचा स्थान दिया जाता है बजाय महिलाओं के ज्यादातर, लेकिन कुछ परिवारों में मातृसत्तात्मक समाज भी आपको पाया पाया जाएगा, जरूर देखोगे आप। तो और कई बार ऐसा होता है जैसे हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वहां पे जो पुरुष हैं परिवार में, जो पुरुष थे वो प्रवास कर गए, कहीं और चले गए रोजगार के लिए या किसी और काम के लिए, रोजगार के लिए कहीं और चले गए, अब पुरुष उस घर में नहीं है, तो जो फैसले लेगी वो कौन लेगी, माता लेगी क्योंकि वो बड़ी है। तो ऐसे मातृसत्तात्मक समाज भी बनते जा रहे हैं कहीं कहीं।
ये सब हो रहा है, लेकिन परिवार में कुछ चीजें भी सामने आती है। लड़ाई झगड़ा हिंसा तो आप देख ही चुके हो, कुछ और मुद्दे भी होते हैं जो परिवार के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादातर आपको पता है हमारे परिवारों में जो विवाह तय होता है, शादी जो तय होती है, वो हमारे माता पिता के तय करते हैं। ठीक है, माता पिता या परिवार में बड़े लोग जो होते हैं वो तय करते हैं। पर आज के टाइम पे ऐसी भी चीजें देखी जाती है कि जो बच्चे हैं वो खुद ही अपना जीवन साथी जो होते हैं चुन लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी और कुछ परिवार में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, कुछ परिवारों में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जहां पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, फिर वहां क्या होता है आपको पता ही है, वहां पे हिंसा हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परिवारों के बीच में दुश्मनी हो सकती है, ऐसी चीजें हो सकती है। कई बार समाज में एक चीज ये भी देखी जा रही है कि समलैंगिक प्यार का खुलेआम इजहार भी किया जा रहा है। समलैंगिक प्यार क्या होता है, जैसे होमोसेक्सुअल जो बोलते हैं, जैसे कि लड़के का बॉय से, गर्ल का गर्ल से, एक ये नया सिस्टम सामने आ रहा है आज के टाइम पे, ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब हमारे समाज का हिस्सा है, समाज में ये सारी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, आप इन सब चीजों को देखते हैं। तो ये जो सारे तरीके के बदलाव है ना, इससे परिवार की संरचना में तो बदलाव नहीं आता है। ठीक है, परिवार का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, लेकिन इससे क्या बदलेगा, इससे हमारी संस्कृति जरूर बदल सकती है। ये जो नई नई चीजें हम देखते हैं आजकल, इससे हमारे परिवार में जो विचार जो चले आ रहे थे वो विचार जरूर बदल जाएंगे। ठीक है, और हमारे जो मूल्य थे जिसको हम अच्छा मानते आ रहे थे, आप देखोगे आपके दादा दादी वगैरह जो होंगे वो पुराने मूल्यों वाले व्यक्ति होंगे, उनकी विचारधारा आपकी विचारधाराओं से कभी मैच नहीं खाएगी, क्योंकि वो जैसा आपको कहेंगे वो चीज आपको पसंद नहीं आएगी, आप जैसा करते होंगे वो चीज उनको पसंद नहीं आएगी। तो मूल्य जो है ये बदलेंगे, विचार जो है वो बदलेगी, संस्कृति भी बदल सकती है, लेकिन परिवार का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। ठीक है, जो माता है वो माता ही रहेगी, जो पिता है वो पिता ही रहेगा, जो भाई है वो भाई ही रहेगा, जो बहन है वो बहन ही रहेगी। परिवार का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, जो शादी विवाह जो सिस्टम है वो नहीं बदल रहा, लेकिन कुछ तौर तरीके जरूर बदल रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारा संस्कृति, हमारे विचार, हमारे मूल्य जरूर परिवर्तन आ रहे हैं। और परिवार में थोड़ा बदलाव आपको ये भी देखने को मिलेगा, एक ज्वाइंट फैमिली होती थी हम पढ़ते थे पहले, ज्वाइंट फैमिली, और एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, या मतलब एक संयुक्त परिवार जिसको बोलते हैं हम, और एक होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता था, माँ बाप जो होते थे उनके साथ दादा दादी नाना दादा दादी वगैरह और जो चाचा वगैरह होते थे वो सब साथ रहते थे जॉइंट फैमिली में। एकल परिवार वाला जो सिस्टम होता है जिसमें पति पत्नी रहते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो रहते हैं साथ में, तो ये कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिल रहे हैं हमें समाज में। यहाँ पे देखो एक टॉपिक है यहाँ पे हमारा, मूल व विस्तारित परिवार। मूल और विस्तारित परिवार क्या होता है भाई, इसे भी तो समझना है, थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा पढ़ लेते हैं और हमारा टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाएगा, चैप्टर थोड़ा सा बस बचा हुआ है। देखो भाई, मूल परिवार जो होता है, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं माता पिता, और माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। विस्तृत परिवार अगर जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था, संयुक्त परिवार भी इसको कहा जाता है। दोबारा रिपीट हो रहा है ये टॉपिक, संयुक्त परिवार जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बड़े बड़ा परिवार होता है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें हमारे माता पिता तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसमें हमारे दादा दादी भी मिलेंगे हमें, हो सकता है कि इसमें हमारे चाचा चाची भी मिले। ठीक है, इस तरीके से जो ये होता है, ये जो ये विस्तृत परिवार है ना, ये भारतीय समाज का सूचक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे विस्तृत परिवार वाला सिस्टम था। और अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पे एकल परिवार वाला सिस्टम था। कहते हैं ना कि परिवार में बंटवारा होता है, परिवार टूटता है, उसके बाद एकल परिवार बनता है, तो ये कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से आया है। तो एकल परिवार आपको पता है जो हमारी फैमिली होती है नॉर्मली, जिसमें माँ बाप और बच्चे वगैरह रहते हैं, ज्यादातर एकल परिवार में ही रहते हैं हमारे समाज में आज के टाइम पे। लास्ट टॉपिक है हमारा परिवार के विभिन्न रूप। परिवार के विभिन्न रूप पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसे देख लेते हैं, आपने हमेशा पितृसत्तात्मक समाज के बारे में ही पढ़ा होगा, सुना होगा आपको, आज परिवार के हम दो और भी अलग जो विभिन्न रूप होते हैं उसके बारे में बता देते हैं। देखो, आवास के नियम के अनुसार, वैसे नॉर्मली क्या होता है, लड़की की शादी होती है तो वो चली चली जाती है ससुराल में, अपने पति और पति के परिवार के साथ रहती है, पति के जो माता पिता हो, ये होता है नॉर्मली रूल। यहाँ पे हम दो तरह की बात कर रहे हैं, एक है पति स्थानिक और एक है पत्नी स्थानिक। तो यहाँ पे दो तरह का सिस्टम होता है, एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे पति शादी के बाद, ठीक है, पत्नी के घर में उसके माता पिता के साथ रहता है, ये तो एक अवस्था होती है। दूसरी अवस्था ये होती है जिसमें जो लड़की होती है वो शादी के बाद नॉर्मली जो होता है
वो अपने पति के घर पे रहती है, इस तरीके से ये दो तरीके होते हैं। लेकिन ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट में ये आई थिंक मेघालय और मिजोरम साइड में ऐसी प्रथा है जहां पे लड़के की शादी होती है, और लड़का, जैसे लड़कियां नॉर्मली ससुराल जाती हैं, पर वहां पे लड़का शादी करने के बाद लड़की के घर पे जाता है और वहां पे रहता है। तो ऐसा ऐसी जो प्रथा है ये एक विशेष प्रकार की जनजाति में है, पूरे देश में ऐसा नहीं होता है, याद रखना। ये कुछ एक विशेष प्रकार की जनजाति में है जहां पे ऐसा होता है, ये मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था और ये चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और पितृवंशीय समाज, पितृवंशिक जो व्यवस्था होती है और मातृवंशिक जो व्यवस्था है उसमें देख लो। मातृवंशिक में क्या होता है कि माता जो होती है वो मेन होती है घर में मुखिया, उसके बाद उसकी जो संपत्ति होगी उसकी बेटी को मिलेगी, लड़की को मिलेगी, ध्यान रखना लड़की को। पितृवंशिक समाज तो वही अपना नॉर्मल जो चलता आ रहा है, पिता ही मुखिया होता है और बाद में बेटों को वो चीजें मिल जाती है। ये पिता और बेटों वाला तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, हर कोई जानता है, लेकिन ये मातृ वाला जो होता है ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ये हर जगह नहीं होता है मातृ वाला, ध्यान रखना, कुछ जनजातियों में है, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल तरीका था, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहां से हमने चैप्टर के सारे मेन टॉपिक जो थे वो कवर कर लिए, और बेसिकली सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं यहाँ से जितनी चैप्टर में आती हैं। कुछ अगर रह भी गया होगा तो आप सपोर्टिंग मटेरियल से सिंपली पढ़े, वहां पे समरी टाइप की दे रखी है और वहां पे सिंपल है। मैंने आपको ये जो पढ़ाया ये बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा है, बुक में जो मेन मेन चीजें उसको अंडरलाइन करके पढ़ा समझा फिर आपको समझाए। लेकिन आप सपोर्टिंग पढ़ वीडियो को देखने के बाद सपोर्टिंग पढ़ लोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा वो, क्योंकि बुक में ज्यादा डीपली है और सपोर्टिंग में थोड़ा कम है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, प्लीज लाइक जरूर कर दें, जितने देखते हैं उतने लाइक तो कम से कम आ जाने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।